एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सिंधु होम किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता, एकदम हेल्दी और टेस्टी। तो आज से सूजी उपमा के रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जिसके लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे, 2 चम्मच डाली हूँ घी और इसके लिए 1 कप से थोड़ा सा कम था रवा, यानी सूजी, मोटा वाला ही सूजी लीजिएगा। इसे हल्का सा भून लूँगी, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बीच मीडियम तक रखेंगे, बिल्कुल ना ज़्यादा मतलब वाइट रखना है ना ब्राउन करना है, बीच मीडियम उतना ही रखना है मुझे ब्राउन भूनना है। ऐसे ये भून गया है, देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल हल्का सा चेंज हो गया है। इस तरीके से इतना ही मुझे भूनना है। वापस से कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी डाली हूँ और इसके लिए थोड़ा सा राई ली थी, राई चटक जाएगा, उसमें डाली हूँ 3 से 4 करी लीव्स पत्ता और 2-3 हरी मिर्च, तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों चटक गया है तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज ली थी, इसे भी बारीक कट करके और इसे भी डाल दूँगी। थोड़ा सा हल्का सा इसे रोस्ट करूँगी, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज को काफ़ी ज़्यादा नहीं गलाना है, हल्का सा प्याज भून जाए। इसके लिए सब्जी ली थी, सब्जी बीन्स, इसे भी बारीक कट कर ली हूँ और गाजर, इसमें अपने मनपसंद गोभी भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, तो अपनी जो अब लेवल हो घर में सब्जी उसके अनुसार भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बीन्स, गाजर, प्याज डाल के भी अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून ली हूँ और इसमें डाली हूँ रोस्टेड किया हुआ 1/2 कटोरी मूँगफली। सब्जी को ज़्यादा नहीं गलाना है, सब्जी में हल्का सा क्रंची बना रहा है तब तक ही इतना ही भूनना है। उसके बाद सूजी डाल दूँगी, सूजी डाल के भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए 1 से 2 बार चला लूँगी। इसमें डालूँगी स्वादानुसार नमक और काली मिर्च पाउडर। आप जो पोहा में जितना भी वैरायटी डालते हैं, जितना भी मसाले डालते हैं, बस वही सेम वहाँ पे सूजी उपमा में भी वही चीज़ डालना होता है, बस काली मिर्च, नमक, और इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बस हल्का सा स्वाद के लिए काली मिर्च डाली हूँ और ये अच्छे से भून ली हूँ और इसमें 1 कप ली थी, 1 कप से थोड़ा सा कम था सूजी, तो उससे 1 गिलास पानी ली हूँ, लगभग 1 कप ही लगभग होगा, उसी से मेजरमेंट करूँगी तो लगभग 1 कप होगा। और पानी परफेक्ट डालिएगा तभी आपकी उपमा जो खिली खिली बनेगी। और ये उपमा बिल्कुल तैयार हो गया है तो ऊपर से डाल दूँगी हल्का सा खटास के लिए नींबू, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है उपमा में, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और इसमें चॉप किया हो ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर दूँगी धनिया से। और ये लीजिए, बिल्कुल खिला खिला बनकर बिल्कुल तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो ये बहुत कम टाइम लगता है और सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए ना बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।